बिग बॉस के टीजर रिलीज होते ही अब बिग बॉस के हिडन कंटेस्टेंट्स की भी चर्चा जोर शोर से शुरू हो चुकी है। शो के टीजर को रिलीज करके सलमान खान ने बिग बॉस 14 की आगाज कर दी है और अब खबर आ रही है कि टीवी के पॉपुलर एक्ट्रेस निया शर्मा ने भी बिग बॉस 14 में आने के लिए अपनी रजामंदी दे दी है। वैसे निया को पिछले कई सालों से बिग बॉस का हिस्सा बनने का ऑफर मिल रहा था लेकिन हर बार निया मना कर रही थी, लेकिन खबरों की माने तो इस साल वो शो में आने के लिए तैयार हैं। उन्होंने शो के मेकर से फीस और बाकी चीजों को लेकर बात कर ली है। वहीं निया का शो नागिन 4 अब खत्म होने वाला है और इस शो के बाद अब नागिन 5 आएगा जिसमें हिना खान लीड रोल में होंगी। इसके अलावा इस बार शो के फॉर्मेट को भी पूरी तरह से बदल दिया गया है। इस साल कंटेस्टेंट्स को हमेशा की तरह हफ्तों के हिसाब से फीस नहीं मिलेगी और एलिमिनेशन प्रक्रिया भी अलग है। खबरों के मुताबिक इस बार कंटेस्टेंट्स को कोरोना के मद्देनजर उनके टेम्परेचर लेवल और हाइजीन के आधार पर एलिमिनेट किया जा सकता है। अगर कोई कंटेस्टेंट बीमार पाया जाता है तो वो शो से आउट माना जाएगा, इसलिए जिन कंटेस्टेंट्स की इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी उन्हें ही शो में लिया जाएगा। निया शर्मा इन दिनों अपनी तस्वीर के कारण चर्चा का विषय बन गई है। ऐसा पहली बार नहीं है जब निया शर्मा बोल्ड दिखाई दी है। इससे पहले भी कई बार वो अपने इंस्टाग्राम पर एक नहीं बल्कि कई तस्वीरें शेयर कर चुकी हैं। इन वीडियो को देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे।